ढीला हो गया अब तो नहीं है तुम्हें, बिल्कुल ढीला हो गया ये। क्या हो रहा है भैया, चलो कुछ नहीं हो रहा, सब अल्लाह का फौज है। हैं नहीं ये जो पहले क्या बने हुए थे, आपने की आवाज सुनी, ये कह रहे क्या हो गया मुझे, मैं सो जाऊं। अब से नहलाओ धोलाओ और बिल्कुल पाक साफ कराओ आज। मतलब इनको शदीद नींद आ रही है। देखिए मुझे किसी ने बताया, ये समझ लें कि बड़ा ऑथेंटिक बात मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिन पर हाजिरी आई, असर आए, कोई वजद आए, और जब वो हट जाए या उतर जाए ना, तो उनके जिस्म में इतनी तकलीफ होती है कि वो एक सीढ़ी का स्टेप नहीं उठा सकते। इतनी तकलीफ होती है जिस्म में, बॉडी रिफ्यूज कर रही होती है आपकी, एक वजन आता है, ये नेचुरल है। हम अक्सर देखते हैं हाजिरी आ जाती है महफिलों में सर ना, हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आमद है जी आ गई, उसके बाद ना वो भाई की हालत देखने वाली होती है। मैंने मस्जिद में देखा एतकाफ के दौरान भाई के ऊपर हाजिरी आई, उसके बाद वो शल हो गए। फिर इस तरह का असर जिस पर आता है, तो इतना वजन आता है आपकी बॉडी पर, आपके जिस्म पर, आपके सेल्स पर, टिश्यूज पे, कि आप बाद में ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप दो दिन से एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी क्या कह रहे हैं, मैं सो जाऊं, निढाल मतलब डाउन बिल्कुल, बॉडी रिफ्यूज। तो वो भाई क्या कह रहे हैं आलिम साहब के, नहीं अभी इनको नहलाएं, इनको पाक साफ करना है। देखें मैंने क्या कहा, हमारे ईमान का हिस्सा है सफाई, निस्फ ईमान है, तो आधा ईमान तो सफाई होगी ना, आधा सफाई से काम करेंगे पास है, सफाई से नहीं करेंगे वो आधा वैसे ही फेल हो गया। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी अगर आपके साथ है तो वो जरिया बन जाती है उस मखलूक को दावत देने की। जैसे अक्सर आप ऐसी जगहों पर, पुसरार जगहों पर यूरिन पास आउट कर देते हैं, नापाकी कर देते हैं बगैर खांसे, बगैर कुछ बोले, रात में खासकर पौधों पे, दरख्तों पे होते हैं। तो हमने कई केसेस आपसे शेयर किए हैं कि यार उनका क्या हाल हुआ है, फिर वो जानवर बने हैं, इनका भी मिलता जुलता ही हाल है। नशे में क्या क्या किया होगा आप कुछ नहीं कह सकते भाई। अब तो मुझे लगता है बात पहुंच गई होगी, कोई वजह जो मना कर दिया ना यार। फरमाते हैं भाई जो हुक्म है, जो कहा है करने का वो हमने करना है, और जिस काम से मना कर दिया वो हमने नहीं करना। यही बंदगी है और हमने बंदगी करनी है। पहले एक चीज थी, छूट थी, पीते थे, लेकिन जब मना हो गया तो मना, वी जस्ट हैव टू फॉलो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, सरेंडर। आपने फरमाया सर आखो अब जी क्या देखें, अल्लाह पाक को दुनिया ने नहीं देखा, लोगों ने अल्लाह पाक को, रब को नहीं देखा, लेकिन दुनिया ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आंखों से, और 40 साल की उम्र से पहले ही लोगों ने गवाही दे दी कि यार आप सादिक और अमीन हैं, करैक्टर आपका ऐसा, किरदार ऐसा, कि गैर मुस्लिम भी, दूसरे मजहब के लोग भी मान गए यार आप सादिक और अमीन है, आप जो कह रहे हैं ना वो सच कह रहे हैं। तो आपकी ये बात है जी, मना तो फिर मना, आप पर ही कलाम उतरा, आपके जरिए हम तक पहुंचा जिंदगी आपके सामने, तो यही बंदगी है, हमने बंदगी करनी है। जरूरी नहीं कि आप इन तमाम मराहिल से गुजरे फिर आपको बात समझ आए। और यार ऐसे नशे का क्या फायदा जिसके बाद यार माँ बहन की तमीज ना रहे आपको जनाब, बाद में पछताते हैं, बाद में कोई वजह है ना। और ये तो आरजी नशा है। वो याद है ऑफिस में हमारे शब्बीर के पहले अगर पारस भाई ना, तो वो भी कहते हैं मुझे ना बैठते साथ कि सजाद यार ये आरजी नशों में जो लगे हुए हैं ना, मतलब आरजी क्या यार, 4 घंटे 6 घंटे 1 दिन 2 दिन फिर मुस्तकिल नशे में जो आ जाए ना एक मौज में, फिर उसको ये चीजें मैटर नहीं करती ना, दिल ही नहीं मानता, अल्लाह मौका ही ना दे, तो रिजल्ट जी नुकसान ही है जिस्मानी तौर पर भी, और जो मना है तो मना है यार, खत्म बात। इसमें कोई बहस, इसमें कोई गुंजाइश निकालने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को चाहिए वो फतवे के पास फतवा लेने जाते हैं ना, मसले का हल जो है ना, कोई मसला जो है ना बनाना भी नहीं है और निकालना भी नहीं है। बहरहाल जी भाई का हाल आपके सामने है कि इसके बाद ये कह रहे हैं मैं सो जाऊं,
और आलिम साहब कह रहे हैं कि नहीं तुम पाक साफ को नहलाओ, आगे देखें। या कपड़ा बदल दो, पाक है क्या? पाक नहीं, नहीं इसलिए वो पाक है, इस्तंजे से पाक है। ये कह रहा है मैं इस्तंजे से पाक हूँ, ये भाई कह रहे हैं। इस्तंजा जी कह रहे हैं आप निजासत ही कह रहे हैं, इस्तंजा मतलब एक तरह से पाक होना होता है। मस्जिद में भी आपने इस्तंजा खाना देखा होगा, तो गुसल खाना नहीं, नहाते नहीं है वहाँ पर, इस्तंजा खाना जो टॉयलेट कह रहे हैं आप, उससे मैं पाक हूँ बकौल इनके। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी भाई, हो तुम्हें क्या पता, तुम तो नशे में थे, तुम तो अभी किसी और कैफियत में थे, तुम कहाँ से ये कह रहे हो, तुम कहाँ से कह रहे हो कि मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। तुम कपड़े बदलो, नहाओ, गुसल करो, वजू बनाओ, फिर अभी माननी भी नहीं चाहिए अगर अल्लाह करे ना मानी हो। वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भाई कपड़े बदलो, वजू बनाओ। और कितने माशाल्लाह मासूमियत से देखें आप, ये देखें यार, ये वही बंदा है। कपड़ा बदल दीजिए, उसको वजू करवाइए, यार ये बंदा है। तौबा अस्तगफार, क्या क्या देखेंगे जी, क्या क्या आएगा सामने। मेहनत को हराम को लगा कर दम ले जाती है तो, लेकिन ये तो सजा एक दो ये लोग कुछ हिम्मत करके भेज दे रहे हैं, पता नहीं कितने लोग चीजों में जकड़े हैं। कौन कहता है इनको यहाँ भेजने को? यस यस, ये अल्लाह पाक हैं जो दिलों में डालते हैं यार, मतलब फिर आगे हमने क्या क्या देख लिया है भाई, सुना भी नहीं था जो हमने देखा यार। सही। लोग कहते हैं कि क्या क्या दिखाएंगे आप, क्या क्या आएगा। और ये करम कह रहे जी कि कहीं कुछ पैरानॉर्मल इस तरह का मामला हो जाए, उनके दिल में अल्लाह पाक डालते हैं कि जी यहाँ पे। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग देखते हैं यार, हर समझने नुक्ते नजर के लोग देखते हैं, हर तबीयत के, हर सोच रखने वाले डॉक्टर्स भी हैं उसमें, इंजीनियर्स भी हैं जी, और हर तरह के जो रिलेट है, आलिम साहब साहिबान, आमिर साहिबान भी हैं, मौलवी साहिबान भी हैं, और जो गुजर चुके वो भी गुजर, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, और फिर जो इन तकलीफ से गुजरे या जो देखते हैं, माशाल्लाह कई साहिब नजर भी देखते हैं यार। ये बहुत प्यारी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मेहरबान तो मेहरबान, उनकी मेहरबानी, इंतजाम बंदोबस्त है उनका सारा यार, जरिया बनाया हुआ है। तो जी ये वही साहब हैं, ये वही साहब हैं। अब जी देखें इनको जो है ना क्या कह रहे हैं कि हम वजू बनाने के लिए, ये अब ये देखें, ये अब बेचारे ये देखें, अभी भी तबीयत डाउन है शिराज भी, इनकी नींद आ रही है, इनको जमाइया ले रहे हैं, इनको नींद आ रही है। हाँ, और थक गए होंगे ना, मतलब कब से ऐसे अकड़े हुए थे यार। बड़े समझदार हैं, वीडियो बनाने वाले दिन शर्टलेस है वीडियो नहीं बना रहे, शायद घर में वालदा है। ये जो शुरू में इनका इलाज चल रहा था, ये दूध से पहले, पानी से पहले अगरबत्तियां जलाई हुई हैं, घी नहीं दे रहे हैं। जल रहे थे यार, तड़प रहे थे, नोट किया आपने? जल रहे थे, तड़प रहे थे दादा। हाँ ये लो, ये शुरुआत थी जी जब पहले आए हैं, इनको धूनी दी है, वो अगरबत्तियां जल रही थी बहुत सारी, और शुरुआत हुई तो ये तड़पने लगे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं यहाँ वहाँ। अब समझ आ रहे हैं इनको नींद क्यों आ रही थी।
और सही कह रहे हैं आप, पता नहीं कब से इस कैफियत में है, इस तबीयत में है। ये तो वो आ रहा था जो आप गए थे, वो भी इसी हवा में आ गई थी ना, न्यू कराची वाली। और ये पता नहीं कि जिन्नात की तरीका है कि इनके एग्रेशन का तरीका, वो ज्यादातर ऐसी हवा में उड़ते हैं बीच से ना। और मैं वहाँ गया था जी झलन गुजरा वाला, वहाँ पर बच्ची का पेड़ जो है ना अंदर पार होगा था। क्या राज है अल्लाह पाक के, बस अल्लाह पाक महफूज रखें, अल्लाह पाक बचा के रखें। हमारे हाथ में क्या है, एहतियात, हमारे हाथ में एहतियात है। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं। नेगेटिव अमल करना करवाना ख्याल ही ना है इसका। पाकी, पाक निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। हमने कहीं बाहर हाजत नहीं करनी, यूरिन पास आउट नहीं करना इन केस ऑफ इमरजेंसी। बच्चे होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते, मसाना कमजोर होता है। तो बचपन से मुझे याद है, मेरी वालदा कहती थी यार, सब कहते हैं बेटा खांस लेना 3 बार से, तो जुमले बने हुए हैं मुख्तलिफ जबानों में, पोश पोश असी अन्य थे बेहोश, कोई है तो हट जाए, कोई है तो चला जाए, 3-4 बार खांस लिया आपने और थोड़ा टाइम दे दिया, मजबूरी है जी, इमरजेंसी है, बच्चे हैं, ये एहतियातें हैं। और अगर ये बड़ों ने कही है तो कोई वजह है ना। हमने कई केसेस आपसे शेयर किए नापाकी की, और हमारे अपने ड्राइवर बख्जलीन भाई के साथ नहीं हुआ था सखर में, क्या हुआ था यार अब्दुल समीम भाई में, क्या हुआ था गाड़ी चलाने वाले भाई हमारे, दो दो हमारे गाड़ी चलाने वालों के साथ ऐसा हुआ है और आपको दिखाया भी है। और इस तरह मैंने मुल्तान का केस, पता नहीं कहां कहां के केस आपसे जानवर बन गए। इन भाई का क्या मसला, एक तो पाकी नापाकी का ख्याल नहीं, कपड़े क्या, हालत क्या, दूसरा अल्कोहल शराब का इस्तेमाल, उसमें तो वैसे ही इंसान को पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उसमें वैसे यूरिन ज्यादा जाना होता है आपको बार बार, तो आप देखते ही नहीं हो, खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कपड़े पाक हैं क्या हैं, तो दावत देना है। और जब इनके साथ ये हादसा जिस दिन हुआ है ना, ये उस दिन नाली पर बेहोश पड़े हुए थे, इनको वहां से उठाया, नाली जी गटर की नाली जो होती है इसके ऊपर। तो ये शेयर करने का मकसद, अब आप ये देखें ये भाई कितने लोगों के लिए जरिया बन गए, ये तो बचत हो गई इनकी, ये तो वक्त पर कोई दुआ कह लें, कोई इनको कोई नेकी कह लें इनकी जो काम आ गई, वरना अल्लाह माफ करे ऐसी मखलूकात को तो मौका चाहिए होता। हमारे बगजमीन भाई के साथ क्या हुआ था, सर से लेके पांव तक तावीज ही तावीज जी, मैंने देखी अपनी आंखों से यार, पेट पे तावीज, गले में, सर में, पांव में, कमर में तावीज ही तावीज यार, उसके बाद हमारे ऑफिस में नजर भी नहीं आए। अब्दुल समी भाई ने अस्पताल में क्या किया था, सईद हॉस्पिटल है ना कयूमाबाद चौरंगी पर, सर सैयद हॉस्पिटल है जी कयूमाबाद चौरंगी पर हमारे ऑफिस के पास ही, वहां पर पूरा अस्पताल उन्होंने सर पर उठा लिया। इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, डॉक्टर भाग, नर्से भाग, हम पहुंचे थे इमरजेंसी में। तो अर्ज ये है कि यार ये जरूरी नहीं कि आप इस तकलीफ से गुजरे, फिर आपको मौके पर इलाज भी मिल जाए, फिर अल्लाह पाक करम भी फरमा दें, आप गलती का अजाला हो जाए आपका, दुनिया जिंदगियां बर्बाद हो जाती। मैं ऐसे साहब से मिला हूँ जो गए अपने इलाज करवाने, हमारे बड़े मशहूर बड़े स्कॉलर कह रहे हैं उनके पास ना, कि जी इलाज मेरा कई दिन हो गए इलाज नहीं हो रहा। उन्होंने एक बंदे को बुलाया, बोला वो देख रहे 40 साल हो गए इलाज हो रहा है उसका, कितने 40 साल से इलाज चल रहा है, अल्लाह पाक बचाए जी आपको, मुझे ना समझ में आने वाले मामला से, ना नजर आने वाली मखलूकात की शर से ना। एहतियात हमारे हाथ में है, वो करनी है। मुझे अक्सर घर लोग भेजते हैं, फैमिलीज भेजती हैं अपने मसला ना, जो ये कहता है ना, वो कभी कभार ड्रिंक भी कर लेते हैं, कभी कभार अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कहते पहले ये छुड़वाए हैं, पहले ये तो छुड़वाए हैं, आगे की बात तो बाद में ना। हम उससे ज्यादा समझदार तो नहीं यार, आप जैसा ना था ना है ना होगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने फरमा दिया तो बात खत्म है यार, सरेंडर फॉलो। मुझे ना
हमारे हुजूर सरकार मदीना अल्लाह के महबूब आप हुजूर को फॉलो कर लें, आप भी महबूब बन जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के महबूब हैं, हम हुजूर को अगर फॉलो कर लेंगे तो हम भी अल्लाह पाक के महबूब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मांगेंगे नहीं, जो चाहेंगे वो होगा। तो अभी तो हम फॉलो कर नहीं रहे और तमाशे देख रहे हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा यार। तो आप जैसा ना था ना है ना होगा, ये सिर्फ मुसलमान ही कहते, जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी ये कहते हैं। किताब है बहरे जमा बहरे जबा, बहरे जमा बहरे जबा, हर जमाने में हर जबा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, ईसाई बरादरी, इन्होंने हुजूर की शान में नाज़ शरीफ लिखी हैं। स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे दुनिया, और वो मानते हैं इस बात को कि हम मानते हैं मुसलमान नहीं है, मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुए, लेकिन सरकारे मदीना की जिंदगी आपका एक नजरिया ख्याल और तरीके इस जैसा ना कोई था ना है ना होगा। हम दिल से आपको मानते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आप रहमतुल मुस्लिमीन नहीं हैं, रहमतुल आलमीन हैं, आप हमारे भी हैं। ये नॉन मुस्लिम कह रहे हैं यार, तो साईं पढ़ते हैं, हमसे पढ़वाते हैं, मारते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें शर्म आए। गैर मजहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने फॉलो कर लिया हुजूर को। आप डिसिप्लिन देखें, एथिक्स देखें बाहर यार, हमारे हुजूर की सारी सुनिए, हम जो है आप भूले हुए हैं, उन्होंने फॉलो कर लिया तो हम इसलिए पढ़वाते हैं हमें आप ना, हमें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। खैर आज जी, तो ये सब आपके सामने है जी, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, जो देखा अपनी मेहरबान वो आंखों से कानों से सुना फरमाते हुए वो आपसे शेयर कर देते हैं। निकल जाती है बात, दिल की बात ना खुद ही निकल जाती है, और सिर्फ आपको जबानी नहीं सुनाया, किताबी बात शेयर नहीं की, दिखाया, आपको दिखा के बात की जा रही है, और वो देख रहे हैं जिस पर हम खुद हैरान है यार। अल्लाह बचाए, तो अल्लाह पाक बचाए, अल्लाह पाक बचाए। हमारे डॉक्टर भाई हजरात बेबस हो जाते हैं कई बार, कई कई केसेस हमने यार 30-30 साल पुराने केसेस आपसे शेयर किए हैं यार, 10-10 साल 30-30 साल से इलाज चल रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए यार, क्या क्या आया सामने। तो जी आपको नाम एड्रेस सब कुछ के साथ शेयर किया, क्या वजह थी, उसका क्या नुकसान हुआ और हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। जरूरी नहीं हम इस तकलीफ से गुजरे फिर बात समझ आए, बेबस हो जाता है इंसान, ठीक करे कुछ समझ नहीं आती, कुछ काम नहीं आता ना पैसा ना दवाई, कुछ काम नहीं आता। मुश्ताक पिंडी में कच्चा गोश्त खा रहे थे, वो तो खुराड बैल बने हुए थे ना, उनकी तो काफ थी उस वक्त, वो जो चाहे कर दें, वो तो फेंक दे, हमें ऊपर से फेंक ही रहे थे, मार दे। अल्लाह बचाए जी, अल्लाह बचाए, एहतियात सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।